नेक्स्ट बेटा ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। अब आपने क्या पढ़ा था? ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, लाइट पढ़ा था। अब हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, लाइट के बारे में आपने जो पढ़ा था वो दोनों नेचर पढ़ी थी उसकी, रेडिएशन की भी। इसमें भी हम क्या पढ़ेंगे बेटा? ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर पढ़ेंगे कि मैटर लाइट की क्या होती है, दोनों टाइप की नेचर होती है, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर होती है। ठीक है, उसके बाद हम डिब्रोगली हाइपोथेसिस और जो डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे उससे रिलेटेड सारी बातें इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है कि पहले मैटर को क्या माना गया था बेटा? पार्टिकल की तरह ट्रीट किया जा रहा था कि इसका मास भी होता है, इसकी मोमेंटम भी होती है। ठीक है, ये फोर्स, तभी फोर्स भी एग्जर्ट कर रहा होता है। तो फिर बाद में ये सोचा गया, मतलब उस टाइम पे ये सोचा जाता था कि भाई इसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। लेकिन जब बाद में पता लगा कि जो मैटर है उसकी भी क्या होती है बेटा? ड्यूअल नेचर होती है, उसकी वेवलेंथ भी होती है और उसकी फ्रीक्वेंसी भी होती है। ठीक है, ये डिब्रोगली नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने इसके बारे में डिस्क्राइब किया था। ठीक है, डिब्रोगली ने क्या कहा था कि जो पार्टिकल है उनकी भी क्या होती है बेटा? वेव होती है, और जो वेव एसोसिएटेड विद द पार्टिकल, जिस वेव के साथ वो क्या कर, जिस वेवलेंथ के साथ वो पार्टिकल क्या कह रहा है बेटा? ट्रेवल कर रहा होता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा? डिब्रोगली वेवलेंथ बोल देते हैं। तो द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल इज कॉल्ड एज डिब्रोगली वेवलेंथ बोल देते हैं हम उसको। ठीक है, उसके बारे में डिब्रोगली ने कुछ अपने हाइपोथेसिस भी दिए थे। उसने क्या किया था कि आइंस्टीन का जो फॉर्मूला था अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या था? E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर था, इक्वेशन फर्स्ट मान ली थी उसने। ठीक है, फिर उसने क्या किया था डिब्रोगली ने कि जो प्लैंक्स ने ला दिया था E इज इक्वल टू एच न्यू का, वो इन दोनों को उसने क्या कर दिया था बेटा? कंबाइन कर दिया था। तो एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया था अपने पास? एच न्यू आ गया था। ठीक है, और एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू किसके इक्वल होता है बेटा? सी बाई लेमडा के इक्वल होता है। तो एक सी से क्या हो जाएगा? एक सी कैंसिल हो जाएगा, तो लेमडा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एच बाई में एम सी या एम वी आ जाएगा। इस एम वी को हम क्या बोल देते हैं बेटा? मोमेंटम बोल देते हैं, एच बाई पी का नाम दे देते हैं इसको। ठीक है, तो जो वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली क्या आ गई हमारे पास? एच बाई में पी आ गई थी। क्लियर बेटा? अब इसके बारे में उसने डिस्कशन किया कि ये जो वेवलेंथ होती है दैट इज एच बाई में एम वी होती है, अगर इस वी की वैल्यू, इस वी की वैल्यू बहुत ही ज्यादा हो, मींस जो पार्टिकल है वो बहुत हाई स्पीड के साथ क्या कर रहा है बेटा? वो रोटेट, हाई स्पीड के साथ वो चल रहा है, तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी? वेवलेंथ क्या हो जाएगी उसकी? अगर पार्टिकल किसके साथ चल रहा है बेटा? हाई स्पीड के साथ चल रहा है, तो लेमडा इज इक्वल टू एच बाई इंफिनिटी हो जाएगा। समथिंग बाई इंफिनिटी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, मीन्स उसकी वेवलेंथ क्या आ जाएगी बेटा? जीरो आ जाएगी। मीन्स उसकी वेवलेंथ क्या होगी? अगर देखो इनफाइनाइट स्पीड से तो चल नहीं सकता, तो इसका मतलब यहां पे इनफाइनाइट का मतलब हम क्या मान लेते हैं बेटा? कि वेरी लार्ज स्पीड से चल रहा है, वेरी हाई स्पीड से चल रहा है, वो स्पीड क्या बेटा? ज्यादा है। ये जीरो कब थी? जब इंफिनिटी था, तो इसका मतलब वेवलेंथ भी क्या होगी? जीरो नहीं होगी, बहुत कम होगी बेटा। तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी? स्मॉल हो जाएगी। वेवलेंथ स्मॉल होने का मतलब क्या हो गया कि ये ऐसे ऐसे है ना, ऐसे ऐसे स्मॉल होगी वेवलेंथ। तो बहुत स्मॉल वेवलेंथ होने में हमें पता ही नहीं चलेगा कि पार्टिकल कैसे चल रहा है। ठीक है, तो वो बात अलग है कि हमें पता नहीं लग रहा स्मॉल वेवलेंथ होने में कि जो पार्टिकल है हमें यूं बहुत लार्ज स्पीड से जा रहा है, तो हमें पता नहीं लग पाता कि वो ऐसे 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 थोड़ा बहुत ऐसे 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 करके जा रहा होता है, तो हमें पता नहीं लग पाता। तो वो वेवलेंथ इस टाइप से दिखा दी उसने। फिर उसने बताया कि अगर वी की वैल्यू जीरो हो, मीन्स वेरी लेस हो, स्पीड क्या हो बेटा? बहुत कम हो, तो उस केस में क्या होगा? लेमडा हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा? इन्फिनिटी आ जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगी? वेवलेंथ वेरी लार्ज हो जाएगी।
ठीक है, तो वेवलेंथ लार्ज होने का मतलब क्या हो गया कि एक वेव ये ऐसे जा रही है तो ये वेवलेंथ कैसे होगी, ऐसे ऐसे ये क्या बन जाएगी, लार्ज वेवलेंथ हो जाएगी। तो उस केस में भी क्या है, हमें महसूस नहीं हो रहा बस, ठीक है। तो उसने बताया कि जो पार्टिकल है वो वेव की फॉर्म में भी चल रहा होता है, बस कंडीशन ये है कि हमें थोड़ा सा इसका आइडिया नहीं हो पाता। क्लियर बेटा, कि जो वेव, जो सोर्स है इस वेव का वो मैटर है, ठीक है, मींस एक्सलेटिंग चार्ज पार्टिकल नहीं है, तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ क्या है, मैटर वेव है। और मैटर वेव के केस में जो पोजीशन है उसकी डिफाइन की जाती है, कैसे डिफाइन, वो जो पोजीशन है उसकी वो अनडिफाइंड है, ठीक है, एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं है कि भाई यहां पे होगी, कि इस जगह पे उस पार्टिकल की ये पोजीशन है, इस जगह पे इस पार्टिकल की ये पोजीशन है, ठीक है। तो इसकी लोकेशन के बारे में डीब्रोगली कोई भी आइडिया नहीं दे पाया था, ठीक है। तो उसके बाद हेसनबर्ग्स नाम का साइंटिस्ट था, हेसनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपने केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। तो उसने क्या बताया था कि जो डेल्टा एक्स है, चेंज इन पोजीशन और चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, वो क्या रहेगा, हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, दैट इज इक्वल टू एच बाई में टू पाई रहेगा, ठीक है। उसने इसके बारे में, हेसनबर्ग ने इसकी अनसर्टेनिटी के बारे में बताया था, ठीक है। जैसे फैन है, फैन फैन चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ठीक है, तो वो जब पार्टिकल वेव दिखा रहा है अपनी, जैसे आप चलते हुए फैन को देखोगे तो सिर्फ उसकी है ना, आप लोकेशन नहीं फाइंड आउट कर पाओगे कि ये जो पंखुड़ी है ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे, ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे, ऐसे आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि आप ये जरूर बता दोगे कि इस सर्टेन रीजन के अंदर रहेगी, ठीक है। तो इसने भी, हेसनबर्ग ने भी क्या बताया था कि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं बता पाएंगे हम, लेकिन उसका जो भी, लेकिन उसकी जो भी पोजिशन होगी ये बता देंगे कि इतने रीजन के अंदर लाई कर रही है, ठीक है। जैसे आपने फिरकी देखी होगी, ठीक है, जैसे आप फिरकी चलाते हो इस टाइप से, ठीक है, तो वो उसकी पोजीशन क्या होती है, बदलती रहती है, और उसकी जो वेव है, वो जो आवाज है थोड़ी बहुत सी, आप वो भी देख सकते हो इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो उसकी जो पोजीशन होती है वो आप फिक्स नहीं कर पाओगे, लेकिन उसका क्राइटेरिया है कि हाँ, इस रीजन के अंदर ये गई है और ये ऐसी ऐसी गई है कि एक बार नीचे हुई, एक बार ऊपर गई है, तो उसके बाद उसने क्या बनाया, एक अपना एनवलप बनाया इस टाइप से कि हाँ, इस रीजन के अंदर ये लाई कर रही होती है, ठीक है। तो जो पार्टिकल वेव है उसने इसी हिसाब से बताया कि पार्टिकल वेव की पोजिशन हम फिक्स नहीं कर सकते, लेकिन ये बता सकते हैं कि ये वेव कहां कहां से, किस किस रीजन में, कितने एनवलप के अंदर ये लाई कर रही, ठीक है। तो ये था बेटा हेसनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बारे में, क्लियर है। अब उसके बाद जो टॉपिक आता है, दैट इज रिलेशन बिटवीन डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड टेम्परेचर, ठीक है। डी ब्रोगली वेवलेंथ आपने पढ़ा और टेम्परेचर भी पढ़ रखा है, ठीक है, इलेवेंथ क्लास में। तो डी ब्रोगली ने क्या बताया था डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी बताया था, ठीक है। उसने बता दिया कि जो वेवलेंथ होती है दैट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, एच बाई में एम वी होता है, ठीक है। अब उसने पूछा कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन दिस वेवलेंथ एंड ए टेम्परेचर, मीन्स रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड ए टेम्परेचर, वेवलेंथ एंड टेम्परेचर के बीच में रिलेशन निकालना है। तो सीधी सी बात बेटा, रिलेशन निकालने के लिए हमें कॉमन पैरामीटर चाहिएगा, यहाँ पे क्या है, मोमेंटम है, मींस एमवी है, और हमें टेम्परेचर की टर्म में क्या पता है, काइनेटिक एनर्जी पता है, एमवी स्क्वायर पता है। तो वहां से हम कंक्लूजन निकाल पाएंगे कि दोनों को रिलेट करके हम बता पाए, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एमवी स्क्वायर होती है, हाफ एमवी स्क्वायर होती है, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर पढ़ा होगा आपने, ठीक है, 3/2 केबीटी होती है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता था, ठीक है। तो इससे हम क्या निकाल ले बेटा, एमवी निकाल ले,
ठीक है, या v निकाल लें तो यहां पे पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, डी ब्रोगली वेवलेंथ आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। तो इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, इन दोनों को क्या कर लो, कंपेयर कर लो, तो हाफ एम वी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 3/2 के बी टी आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है। तो वी स्क्वेयर कितना आ गया, 3 KBT बाई में m आ गया, तो v हमारे पास आ गया अंडर रूट 3 KBT बाई में m, क्लियर बच्चे, ठीक है। तो ये हमारे पास v की वैल्यू आ गई। लैम्डा निकालना, हमने वेवलेंथ निकालनी है, तो h डिवाइड बाय क्या कर देंगे, m इनटू v कर देंगे, तो दैट इज इक्वल टू h बाय अंडर रूट, ये m है जो इस अंडर रूट के अंदर जाएगा, तो m स्क्वायर लिख सकते हैं, और v, v की वैल्यू ये है, कितनी आ जाएगी, 3 KBT बाई में m आ जाएगा, एक m से m कैंसिल, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, h बाई अंडर रूट 3 KBT m आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा वेवलेंथ और टेम्परेचर के बीच में, क्लियर है, ठीक है। अब ऐसे ही एक आर्टिकल है कि भाई राइट एन एक्सप्रेशन फॉर वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ आपने क्या करनी बेटा, फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब आपने जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है, आगे डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट भी पढ़ोगे उसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जैसे हमने पैरामीटर पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर होती है, ठीक है। अब आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल भी पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर के अंदर, इसके अंदर, ठीक है। तो वहां काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल थी बेटा, ईवी के इक्वल थी, स्टॉपिंग पोटेंशियल के इक्वल थी, ठीक है, मींस काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल है यहां पे। अब हमने जो रिलेशन निकालना है वो किससे निकालना है, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए इलेक्ट्रॉन, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए इलेक्ट्रॉन निकालना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो ईवी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, हाफ एम वी स्क्वायर आ जाएगा, वही जैसा इसमें किया था, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, एच बाई एम वी होता है, वी निकालना है हमने, तो ईवी 2 ईवी बाई एम अंडर रूट क्या आ जाएगा बेटा, वी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब इस v की वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू किस में पुट कर दो, h बाई एम वी के अंदर पुट कर दोगे, तो लैम्डा क्या आ जाएगा हमारे पास, h बाई एम इंटू वी, v क्या है 2e बाई में m है, क्लियर बेटा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, h बाई अंडर रूट m स्क्वायर 2e v बाई m, एक m से क्या हो जाएगा, m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई रूट एम ई रूट वी, लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। ये भी कांस्टेंट है, 6.63 × 10⁻¹⁴, इस मास की भी वैल्यू है और इसकी भी वैल्यू बेटा इलेक्ट्रॉन चार्ज की, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एच बाई एम ई, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 12.27 डिवाइड बाई में रूट वी एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 12.27 डिवाइड बाय में रूट वी, क्लियर बेटा, ठीक है। तो जस्ट ये आ जाए कि भाई पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है, जैसे रूट 81 कह दिया, पोटेंशियल की वैल्यू 81 कह दिया, तो सीधी सी बात है लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, रूट 81 करेंगे तो 9 आ जाएगा, 12.27 डिवाइड बाय में 9 आ जाएगा, ठीक है। तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी। तो ये वेवलेंथ किसी की है बेटा, एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के लिए एसोसिएटेड है ये वेवलेंथ, ठीक है। अब ये तो थ्योरेटिकली प्रूव किया गया था कि भाई वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की इतनी आएगी। अब उसके बाद इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी हुआ था, डेविसन एंड जर्मर नाम के दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, और वो एक्सपेरिमेंट थ्योरेटिकली भी और प्रैक्टिकल भी काफी हद तक सिमिलर रिजल्ट आए थे, ठीक है। तो एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था, तो उसको स्टडी करेंगे हम कि भाई डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट क्या था, हेडिंग डाल लो बेटा डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट,
डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो उन्होंने इसके लिए क्या किया बेटा, एक अरेंजमेंट बनाई, और उस अरेंजमेंट में क्या किया, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन गन बना ली, ठीक है, कोटेड विद बेरियम ऑक्साइड्स, ठीक है, बेरियम ऑक्साइड से कोटिंग करके एक क्या बना ली बेटा, टंगस्टन की हेल्प से एक इलेक्ट्रॉन गन बना ली। और यहां पे इलेक्ट्रॉन गन ये ऐसे एमिट होगी, इस टाइप से इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एमिट होंगे। तो यहां हमने एक क्या रख लिया बेटा, कोलिमेटर रख लिया। और कोलिमेटर का क्या काम होता है, ये जो बीम ऐसे आ रही है इसको किस पे बनाना, पैरेलल पाथ के अंदर बनाना, ठीक है, ताकि यहां से जो लाइट जाए, जो वेव जाए, जो इलेक्ट्रॉन बीम जाए, वो किस में जाए, पैरेलल उसमें जाए। यहां पे हम एक हाई टेंशन सोर्स लगा देते हैं, ठीक है। हाई टेंशन सोर्स किस पर्पज से लगा देते हैं, कि यहां जो इलेक्ट्रॉन बीम है जो आ रही है उसको एक्सेलरेट करने के लिए हम क्या लगा देते बेटा, यहां पे हाई टेंशन सोर्स लगा देते हैं। ये कोलिमेटर लगा दिया हमने किसको करने के लिए, बीम को पैरेलल करने के लिए, यहां पे हमने सोर्स बना दिया, क्लियर बेटा, ठीक है। अब उसके बाद यहां हमने एक निकल क्रिस्टल ले लिया बेटा, क्या ले लिया, एक निकल क्रिस्टल ले लिया, ठीक है, इस टाइप से उसकी स्ट्रक्चर है, क्लियर बेटा, ठीक है। तो ये जो बीम आएगी जब इससे टकराएगी और क्या होगी, ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, स्कैटरिंग एंगल बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं इसको हम, स्कैटरिंग एंगल बोल देते हैं, ठीक है। अब जो ये इस स्ट्रक्चर के साथ जो एंगल बना रही है, ये वाली लाइन, ये जो स्ट्रक्चर है इसका निकल क्रिस्टल का, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है कि जो लेटिस फॉर्म है वो इस टाइप से है, ऐसे ऐसे क्रिस्टल रखे गए थे इस टाइप से, जैसे ये मान लिया बेटा, तो इनको आप मिलाओगे तो ये बनेगी फॉर्म इस टाइप से, ठीक है। तो ये इस टाइप से अरेंजमेंट बनी हुई है इसकी। तो यहां से जो इसके साथ एंगल बनेगा, इसका इसके साथ जो एंगल बनेगा थीटा, उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, एंगल ऑफ ग्लेंसिंग बोल देते हैं, या ग्लेंसिंग एंगल बोल देते हैं, ठीक है। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहां हमने एक डिटेक्टर ले लिया बेटा, डिटेक्टर जैसे हम गैल्वेनोमीटर टाइप में, कि भाई उस यहां से हमने एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया, जितने भी इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन्स यहां से आएंगे तो फ्लो होके आ रहे हैं, उसके कोरिस्पोंडिंग जो करंट डेवलप होगा, करंट जो प्रोड्यूस होगा, वो हम गैल्वेनोमीटर की हेल्प से हम क्या कर लेंगे बेटा, डिटेक्ट कर पाएंगे कि इस टाइम पे इतना करंट मिल रहा है, इस स्कैटरिंग पे इतना करंट मिल रहा है, इस स्कैटरिंग पे हमें इतना करंट मिल रहा है। तो इस टाइप से ये एक अरेंजमेंट बना रखी है, क्लियर है ना बात। तो इस टाइप से डेविसन और जर्मर ने कुछ अरेंजमेंट डेवलप किया, कोई दिक्कत यहां तक, चलो। अब उसके बाद उसने क्या किया कि इस हाई टेंशन सोर्स से, इस हाई टेंशन सोर्स के क्या क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन्स को एसिलेट कर रहा है, और यहां एक सोर्स वोल्टेज सोर्स लगा रखा है, ठीक है, वोल्टेज सोर्स लगा रखा है उसने। तो उसने क्या देखा कि जब जब इस वोल्टेज को वो चेंज कर रहा था, उसने ऐसे रीडिंग ली बेटा कि यहां पे जीरो पे, जीरो वोल्ट पे इसको देखा कि कितने से स्कैटरिंग हो रही है और कितने से इसकी इंटेंसिटी मिल रही है, ठीक है। हर बार क्या करता गया, वोल्टेज सेट करता गया और यहां से एंगल सेट करता गया। वो जीरो वोल्ट पे उसने 1 डिग्री सेट किया स्केटरिंग एंगल, फिर 2 डिग्री किया, फिर 3 डिग्री किया, फिर 4 डिग्री किया, फिर 5 डिग्री किया, इस टाइप से उसने इसके एंगल सेट किए सारे, ठीक है। तो फिर उसने देखा और साथ की साथ इंटेंसिटी भी क्या करता गया, वो नोट करता गया, करंट की वैल्यू भी क्या करता गया बेटा, वो नोट करता गया, सारी चीजें क्या की उसने, नोट की वहां पे, क्लियर है, ठीक है। तो अब उसने देखा यहां पे कि ये इंटेंसिटी की कुछ ना कुछ वैल्यू थी,
फिर उसने 1 वोल्ट पे जाके फिर ऐसे ही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू 360 डिग्री तक उसने क्या की उसकी रीडिंग नोट की। फिर ऐसे ही उसने क्या किया बेटा 20 वोल्ट पे जाके फिर 30 वोल्ट पे जाके सारे एंगल घुमा घुमा के उसने सारी रीडिंग नोट की, ठीक है। फिर उसने एक पर्टिकुलर रीडिंग मिली कि 54 वोल्ट पे जाके, कहां गया बेटा वो 54 वोल्ट पे गया और 50 डिग्री का उसने क्या बनाया यहां पे एंगल बना लिया, ठीक है। 50 डिग्री का क्या बनाया उसने एंगल बनाया था। तब जाके इस पर्टिकुलर रीडिंग पे जो मिला उसको वो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिली, क्या मिली बेटा मैक्सिमम इंटेंसिटी मिली, ठीक है मैक्सिमम इंटेंसिटी मिली। तो उसने इस रीडिंग को नोट कर लिया, बाकी उसके बाद भी कि उसने 60 वोल्ट पे 60 डिग्री पे 70 पे 80 पे ऐसे सभी वोल्ट पे जाके उसने क्या किया बेटा एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। फिर उसने ये रीडिंग जो नोट की इस रीडिंग पे जाके क्या मिला मैक्सिमम मिला इंटेंसिटी, ठीक है। अब उसके बाद इसने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की, तो इसका ग्राफ बनाओगे आप तो आप ऐसे शो कर सकते हो बेटा कि यहां पे 54 वोल्ट पे जैसे वोल्टेज का अगर आप जिक्र करोगे 54 वोल्ट पे इंटेंसिटी क्या दिखा दोगे आप यहाँ पे मैक्सिमम, बाकी के रिगार्डिंग क्या दिखा दोगे आप मिनिमम दिखा दोगे इंटेंसिटी, लाइट की जो इंटेंसिटी होगी यहाँ पे लिख दोगे आपकी 54 वोल्ट और 50 डिग्री के 50 डिग्री पे क्या दिखा दोगे आप यहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम दिखा दोगे, बाकी जो ये इंटेंसिटी है ये क्या शो कर रहे हैं लो इंटेंसिटी ग्राफ शो कर रहे हैं, क्लियर बेटा। तो इस पे आप ये शो कर दोगे। अब उसके बाद इसने क्या देखा, इस स्ट्रक्चर को देखा उसने, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर यहां ये क्रिस्टल का ये था और यहां से ये स्कैटर हुई, इसे टकराई रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आई, तो ये एंगल क्या बना बेटा फाई है, ठीक है। तो जितना ये एंगल उतना ही क्या है ये एंगल होगा, क्योंकि ये तो क्या हो गया बेटा आई इज इक्वल टू आर के प्रोपोर्शन में ये बराबर हो जाएगा, फिर बचा क्या है ये वाला ये पोर्शन भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। तो उसने क्या देखा कि जो 2 थीटा ये थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा, क्लियर है। तो जब 2 थीटा प्लस फाइव कितना दे रखा है बेटा इस पे 50 डिग्री, स्केटरिंग एंगल कितना दे रखा है 50 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री, तो 2 थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 130, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास 65 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। इस थीटा इज इक्वल टू 65 डिग्री पे उसने फिर आगे फर्दर कैलकुलेशन की बेटा, ठीक है। तो एक ब्रेग नाम का एक साइंटिस्ट था बेटा, ठीक है, उसने एक इक्वेशन दे रखी थी कि 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, ठीक है। फॉर n इज इक्वल टू 1 तो 2d साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा बेटा लैम्डा के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और ये d क्या थी, इन दो लाइन के बीच की क्या थी स्पेसिंग थी। और ये जो निकल क्रिस्टल यूज किया था, इस निकल क्रिस्टल के लिए इस d की वैल्यू थी 9.1 × 10⁻⁹, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू थी बेटा। तो जब आप इसकी वैल्यू को पुट करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी वेवलेंथ आ जाएगी एसोसिएटेड विद दैट इलेक्ट्रॉन आ जाएगी, तो 2 × 9.1 × 10⁻⁹ × sin θ sin 65 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा लैम्डा आ जाएगा। तो साइन 65 की वैल्यू रखेंगे और ये जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1.66 एंगस्ट्रॉम आ जाएगी, ठीक है। तो दैट इज द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन, क्लियर बेटा। तो ये एक्सपेरिमेंटली डेविसन एंड जर्मर ने प्रूव कर दिया कि लैम्डा इज इक्वल टू 1.66 एंगस्ट्रॉम आ गया। और जब आप लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 डिवाइड बाय रूट वी, मतलब यहां पे रूट वी की वैल्यू कितनी रख रहे हो बेटा 54, वी की वैल्यू कितनी रख रहे हो 54 रख रहे हो, तो भी ये वैल्यू कितनी आई बेटा अप्रोक्सीमेटली इसी के बराबर आई थी,
ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था कि जो सक्सेसफुल काफी हद तक रीडिंग क्या हो रही थी बेटा इसकी, मैच हो रही थी। तो ये बताया था डेविसन एंड जर्मर ने इसकी वेवलेंथ के रिगार्डिंग, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन के रिगार्डिंग जो है एक्सपेरिमेंट किया था। क्लियर बच्चे? चलो नेक्स्ट यूनिट में मिलते हैं।